नमस्कार, मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास आते हैं हेड इंजरी के या स्पाइन इंजरी के। हेड इंजरी के मरीज ज़्यादातर यंग पेशेंट्स होते हैं जो कि अदरवाइज बिल्कुल हेल्दी होते हैं, पर एक छोटी सी गलती की वजह से उनको क्षति हो जाती है। सिर में चोट लगती है जो कि एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। या कई पेशेंट्स हैं जो होश में आते हैं, कई डिसोरिएंटेड आते हैं, कई पेशेंट बिल्कुल बेहोश अवस्था में आते हैं। ऐसे ही गर्दन की या रीढ़ की हड्डी के स्पाइन के फ्रैक्चर के मरीज हमारे पास आते हैं जो कि या तो किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, यानी कि सड़क पर दुर्घटना हुई है, या फिर किसी ऊंचाई से गिरे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट से गिरे हैं या अपने घर से गिरे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे जो छोटे बच्चे हैं, खेल रहे थे और गलत तरीके से गिर गए। हमारे देश में असॉल्ट के बहुत केसेस आते हैं जिसमें किसी ने सिर पर डंडा मार दिया, ईंट फेंक दी, धक्का दे दिया, गिरा दिया। ये लोग अदरवाइज हेल्दी होते हैं, पर सिर्फ एक क्षण की गलती की वजह से ये इस हालत में आते हैं। इनके लिए हमें एडमिशन करना पड़ता है, कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कई बार लंबे टाइम तक इनको आईसीयू में रखना पड़ता है और कुछ मरीजों की मौत भी हो जाती है। एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कही जा सकती है, वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। रोड ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना सबसे इम्पॉर्टेंट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को बचाने के लिए। हेलमेट से ब्रेन की सिवियर इंजरी प्रिवेंट होती है, स्कैल्प इंजरी प्रिवेंट होती है, बहुत सारा जो ब्लड लॉस स्कैल्प इंजरी की वजह से हो सकता है वो प्रिवेंट हो जाता है। तेज़ गाड़ी चलाने से, मोटरसाइकिल स्कूटर को टेढ़ा मेढ़ा चलाने से, इवन फोर व्हीलर को या ट्रक्स को तेज चलाने से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हम रोज़ाना टीवी में, न्यूज़ में देखते हैं कि किस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। सेफ ड्राइविंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हेड इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, स्पाइन इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा फॉल फ्रॉम हाइट, अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पर प्रॉपर गैजेट्स होने चाहिए जो कि फॉल फ्रॉम हाइट को प्रिवेंट करे ताकि चोट ना लगे। उसके अलावा कई एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको घर में गिरने से, स्लिप होने से, ट्रिवियल फॉल, छोटी सी इंजरी से भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो उन लोगों को अपना खास ध्यान रखना है। छोटे बच्चे घर में बेड से गिर गए, ड्रेसिंग टेबल का कोना लग गया, कट लग गया, इस तरह के गोदी से उछल के नीचे गिर गए, मोटरसाइकिल स्कूटर में ट्रिपल राइडिंग हो रही है जिसमें बच्चा गोद से नीचे गिर गया, ये भी हमें काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है और इसका भी बचाव किया जा सकता है। फिर भी अगर किसी को हेड इंजरी है तो उसको केयर एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, एट द साइट ऑफ ट्रॉमा मिलना चाहिए। तो हर जगह पे ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस जल्दी जल्दी पहुंचनी चाहिए और फिर ऐसे अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए जहां पर कि ट्रॉमा केयर उपलब्ध है, मरीज को तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए, अगर ज़रूरत है तो सांस की नलकी डाल के वेंटिलेटर पे रखा जाए और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो तुरंत ऑपरेशन किया जाए। पर फिर भी मैं रिपीट करूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे यंग लाइव्स को, सेफ एंड हेल्दी लोगों की लाइव्स को बचाया जा सकता है। हेड इंजरी को प्रिवेंट करने में एक मुहिम है जिसमें आप मेरा साथ दीजिए और अपने दोस्तों को, परिजनों को, रिलेटिव्स को, सबको गाइड करिए कि रोड ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।